फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी राशि से पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। हाय गाइस, आई एम आकाश एंड यू आर वाचिंग आकाश टॉक्स। तो यार मैं ऑलरेडी बायोलॉजी का लास्ट मिनट सजेशंस दे दिया, बट उधर यार कुछ चैप्टर्स मैं मिस कर गया, या फिर मिस मतलब कि यार वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसीलिए मैंने आपको बोला कि मैं वीडियो को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। और उस टाइम मैं अपने घर में भी नहीं था, तो अभी आप देख पा रहे हो यार मेरा फुल जो रियल सेटअप है वो आ गया एंड मैं अपना घर में ही हूँ। तो आज आप लोगों को उस जो चैप्टर है या फिर जो बाकी के चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस कर दूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल्दो मैं लास्ट मिनट सजेशंस का वीडियो ऑलरेडी बना दिया, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो ऊपर में कार्ड में लिंक दे देंगे, उधर भी जाकर देख सकते हो। एंड अलॉन्ग विथ उधर बहुत सारे आप में से बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि भाई कुछ डायग्राम्स बता दो, क्योंकि बायोलॉजी है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो डायग्राम भी कुछ बोल दो। तो मैं डायग्राम का एक अलग सा वीडियो बना दिया, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो जाकर देख सकते हो ऊपर में। एंड वो सारे चीज मैंने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, उधर से भी आपको सारे चीज मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो भी नहीं देखा इंस्टाग्राम में चले जाओ, उधर से भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यार मेरे हाथ में ये कागज है, ये मेरे हाथ में ये पर्टिकुलरली ये कॉपी है जिधर से मैं ये जो कुछ बचे चैप्टर से उसके बारे में डिस्कस करूंगा एंड मैं आपको बोलूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल्दो यार बायोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी का सारे चीजें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट, ऑल्दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बुक अच्छे से पढ़ना है, अदरवाइज आपको सेक्शन ए में आप अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाओगे। एंड अलॉन्ग विद डायग्राम भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, बट सारे चैप्टर्स इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड उसमें से कुछ चैप्टर्स में कुछ जो टॉपिक है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जिधर से आईसीएसई आपको ज्यादा बार क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यार अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मैं आईसीएसई एंड आईसीबीएस वीडियोस बनाता हूं, वीडियो को थोड़ा लाइक भी कर देना, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन है आईसीएसई रिलेटेड या फिर बायोलॉजी रिलेटेड या फिर किसी भी अदर सब्जेक्ट इन आईसीएसई रिलेटेड आप मेरे को पूछ सकते हो नीचे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो यार फर्स्ट आता है मैं उसमें उस चैप्टर में अप टू मैं सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर मैं उतना तक कर दिया था, ठीक है। तो अभी मैं करूंगा नर्वस सिस्टम से क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो यार नर्वस सिस्टम में इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन अलोंग विद द पिक्चर अच्छे से करना, उसके बाद यार डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग फेस, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, टाइप्स ऑफ नर्व्स, मेनिंजेस, पार्ट्स ऑफ ब्रेन, फंक्शन ऑफ सेरिब्रम, फंक्शन ऑफ सेरिबेलम, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ी राशि से पूछते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद यार आपको ये भी पूछता है कि फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद यार जितने भी चीज है यार टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स, यार सारे चीजें देखो अगर आप थोड़ा जूमिंग करके दिखाया तो मेरे ख्याल से आप देख पा रहे हो। ऑल्दो यार मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है एंड मैं बहुत ही फोर्स लिखता हूँ इसलिए मेरा हैंडराइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो आप ऐसे मत करो, आप अच्छे से लिखे, ठीक है। और मैं ये सारे चीज यार ये मैं सारे चीज इंस्टाग्राम में पोस्ट कर देता हूँ, उधर से भी आपको मिल जाएगा। और जिन लोग का इंस्टाग्राम नहीं है आप सिर्फ लिंक में क्लिक करो इंस्टाग्राम जो डिस्क्रिप्शन में है, उधर से भी आपको सिर्फ इंस्टाग्राम का पेज मिल जाएगा, उधर से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, उधर से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गया। इसके बाद यार जो नेक्स्ट चैप्टर है जो चैप्टर 9 है वो है सेंस ऑर्गन, मतलब कि आईफाई का जो चैप्टर है। इधर से मेन इंपॉर्टेंट है कि लैक्रिमल ग्लैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि लैक्रिमल ग्लैंड तो जानते हो आप क्या है। इसके बाद फंक्शन ऑफ टीयर, फंक्शन ऑफ टीयर जब मैं पढ़ता था मेरे को बहुत हंसी आता था यार, फंक्शन ऑफ टीयर ये हम लोगों का आंख में सब ठीक ठाक कर देता है, बहुत सारी चीज है यार। ऑल्दो आप लोग जानते हो तो फंक्शन ऑफ टीयर एटलीस्ट दो कर लो, ठीक है, दो कर लो क्योंकि आईसीएसई दो से ज्यादा क्वेश्चंस कभी नहीं करेगा फंक्शन ऑफ टीयर से। ये हो गया। इसके बाद कॉन्जंक्टिवा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी बोल रहा था जिधर मैं आपको डायग्राम के बारे में बोल रहा था, कॉन्जंक्टिवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद नंबर 4 है आपका स्ट्रक्चर ऑफ आई अलोंग विद डायग्राम, भाई डायग्राम करो उसके साथ पढ़ो, ऐसे करके अगर आप करते हो आपको अच्छे से याद भी रहेगा, आप अच्छे से आईसीएसई में एग्जाम में कर भी सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यार येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वस चेंबर, विट्रस चेंबर, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, लाइट एडेप्टेशन, डार्क एडेप्टेशन, उसके बाद यार सम डिफेक्ट्स, मायोपिया क्यों होता है या फिर हाइपरमेट्रोपिया, जो चीज है यार मेरे को अभी भी याद है, ठीक है, मायोपिया जो कि यार शॉर्ट ब्लाइंडनेस है, फिर दूर का चीज आप नहीं देख पाते हो यार, ऐसा जानते हो मायोपिया क्या है, ठीक है। तो ये सारा चीज हम कांच की चीज या फिर जो चीज हम लोग का नियर है वो हम चीज अच्छे तरीके से देख पाते हैं, बट जो चीज कुछ फार अवे है वो लोग वो चीज हम नहीं देख पाते। ये बहुत सारे हम लोग का फ्रेंड के साथ भी हुआ जिन लोग का माइनस पावर्स बहुत ज्यादा है, मान सकते हो कि -5 है, -6 है, उन लोगों के साथ ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है यार, ऑब्वियसली बहुत ही प्रॉब्लम है। तो ये कुछ चीज है आप देख लो। एंड यार अलॉन्ग विथ यार ये सारा चीज है, और अभी हम आते हैं ईयर में यार ह्यूमन ईयर एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग, कैसे हम चीजें सुनते हैं या फिर जो अभी मैं जो आप लोगों को बोल रहा हूँ आप अपने फोन के माध्यम से या फिर आपके कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के माध्यम से जो स्पीकर के माध्यम से आपको जो सेंसेशन कान में आ रहा है या फिर अपने ईयर में आ रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। देख लो इनर ईयर का फंक्शन क्या है,
और सबसे स्मॉल बोन किधर रहता है आप जानते हो, सबसे स्मॉल बोन हम लोग का बॉडी में किधर रहता है? अगर जानते हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बोलो। ये बायोलॉजी का चैप्टर में ही है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद नंबर 10 है एंडोक्रीन ग्लैंड। एंडोक्रीन ग्लैंड का मैं दे दूंगा आपको यार इंस्टाग्राम में एक चार्ट, उधर से आप पढ़ सकते हो। अगर आपका खुद का कोई नोट्स है उधर से आप पढ़ सकते हो। ये ना एक नोट बेस्ड चैप्टर है। मान लो कि अगर मैं आपको बोलूँ की कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ हॉर्मोन, उसके बाद यार जनरल फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर, देखो ये सारे चीज यार एकदम आपको हाइपरसिक्रेशन अगर होगा एंडोक्रीन तो क्या होगा, अगर हाइपोसिक्रेशन होगा तो क्या होगा, इसके बाद यार किसके लिए क्या होता है, मैं एक चार्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम में, ठीक है, उधर से आप देख सकते हो। ये हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यार फुल चैप्टर इज इम्पोर्टेंट, जैसे मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि फुल चैप्टर इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। मान लो कि अगर आपको डायग्राम ऑफ टेस्टिस भी देख सकते हो एंड डायग्राम ऑफ सारी चीजें यार इम्पोर्टेंट, ठीक है, थोड़ा बहुत देख लो क्योंकि ये भी बहुत बार डायग्राम बेसिस क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्टिव पार्ट से, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद मैं जो लास्ट चैप्टर बोल रहा हूँ पॉपुलेशन, क्योंकि इसके बाद मैं आपको मैं बोल दूंगा पॉपुलेशन में जो चीज इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन इज वेरी इजी चैप्टर। पॉपुलेशन इज सच बोल यार बहुत इजी चैप्टर है। सिर्फ जो चीज बोला हूँ उतना सा करो, इसके ज्यादा मत करो, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन इन इंडिया। नंबर 2 प्रेशर ऑन नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू द राइजिंग पॉपुलेशन। हो गया। इसके बाद मैं कुछ डेफिनेशंस बोल रहा हूँ, सिर्फ लर्न कर लो। अगर हो सके या समझ भी सकते हो समझ के लर्न करो, बहुत अच्छा है। अगर नहीं हुआ तो रट्टा मार लो, लर्न करो, ठीक है। डेमोग्राफी, नेटलिटी, मॉर्टलिटी एंड ग्रोथ रेट, बस मैं बोल रहा हूँ बस और कुछ नहीं, ठीक है, इतना सा करो। इसके बाद फैमिली वेलफेयर, डिफरेंस बिटवीन ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी, सिर्फ 2 डिफरेंसेस कर लो। ये फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में होता है, ये होता है, ये होता है, आप जानते हो, पढ़ लो बुक में या चैप्टर 12 में देख लो, उधर से पढ़ लो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया आपको। इसके बाद यार आपका मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये भी आप जानते हो, थोड़ा बहुत मेथड्स फॉलो किसके कैसे कैसे हम कॉन्ट्रासेप्ट कर सकते हैं, बस इससे ज्यादा क्वेश्चन इस पार्ट से नहीं आएगा, ठीक है। और जो न्यू चैप्टर्स है एंड जो जितने अदर चैप्टर्स है वो इजी है, वो मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है। अलोंग विद दिस, सुन रहे हो तो, अलोंग विद दिस लास्ट 10 इयर्स में से लास्ट 5 ऑड इयर्स अच्छे से करना। सेक्शन ए फुल्ली करो लास्ट 10 इयर्स, अगर टाइम है अभी तक है तो कर लो, ठीक है। और मेरे को कमेंट सेक्शन में जाकर बोलो कि किसी भी अगर तुम लोगों का कोई क्वेश्चन है मैं ट्राई करूंगा उसका सवालों का जवाब मैं दे देना कमेंट्स में, या फिर आईसीसी के बाद में मैं ट्राई करूंगा अगर इंपॉर्टेंट कमेंट्स में उसका जवाब दे देता हूँ जनरली, ठीक है। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आईसीसी।